नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सम्मति नेचुरोपैथिक वेलबेइंग सेंटर ग्रेटर नोएडा से। नेचुरोपैथी डे की जो परिकल्पना है वो इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक नेशनल बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी का गठन किया 2 साल पहले। तो उसमें देखा गया कि नेचुरोपैथी के बारे में काफ़ी जानकारी जो लोगों के पास पहुंचनी चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। तो इसका ध्यान में रखते हुए एक दिन का चुनाव किया गया जिस दिन महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के डीड को 18 नवंबर 1945 में जिस दिन को उन्होंने साइन किया उसी दिन को नेचुरोपैथी डे के डिक्लेयर करने के बारे में एक समझ बनी। और मैं नेशनल बोर्ड का मेंबर था तो उस मीटिंग में उसकी तीसरी मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि अब हर साल 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाया जाएगा। ये नेचुरोपैथी जो सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का दर्जा देती है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो वाई पार्ट है वो योगा और नेचुरोपैथी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए लगभग 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे देश में जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होती हैं और ये लोग जो हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में पूरे देश में काम करते हैं। नेचुरोपैथी जो सिस्टम है ये बेसिकली क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसको आप कहते हैं कि जो रोग जो हैं जीर्ण हैं पुराने हैं और जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है आपके जीवन शैली से संबंधित हैं ऐसे रोगों में नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। और आज जो पब्लिक हेल्थ की प्लानिंग हो रही है उसमें लाइफस्टाइल को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से नेचुरोपैथी का इम्पॉर्टेंस आज के जीवन शैली का प्रभाव देखते हुए जिसमें डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर मोटापा से रिलेटेड बीमारियां जो हैं हार्ट कंडीशंस मतलब बीमारियों का जो नेचर है पहले जो इन्फेक्शन हुआ करता था अब वो खान पान जीवन शैली हमारी शारीरिक एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये मेजर कंट्रोल्स हो गए हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं या आप जिनकी अच्छी देख रेख अगर करें तो उससे आप बच सकते हैं। तो नेचुरोपैथी का जो मेजर पार्ट है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि शरीर में जितना कचरा जमा होता है शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है शरीर में बीमारियों की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। तो नेचुरोपैथी का यह मानना है कि शरीर से कचरा को कितना कम किया जा सके टॉक्सिन्स को कितना हटाया जा सके तो एक प्रोसेस है जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं जिसमें मेजर फिर से हम लोग खान पान का उपयोग करते हैं उपवास चिकित्सा का उपयोग करते हैं जल चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा का उपयोग करते हैं कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को कैसे दूर किया जा सके। और इस तरह से नेचुरोपैथी जो है एक संपूर्ण सिस्टम के रूप में डेवलप हो रही है जिसमें पेन मैनेजमेंट से लेकर क्रॉनिक डिसीज़ मैनेजमेंट और अब जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इन सब में जो है नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। नेचुरोपैथी के बारे में लोग जनरली समझते हैं कि यह जल और मिट्टी चिकित्सा है लेकिन नेचुरोपैथी का जो व्यापक पार्ट है जो वेस्टर्न यूरोप और यूएस में खास तौर से जो प्रैक्टिस की जाती है वो ये है कि एक ऐसी नेचुरोपैथी एक ऐसी मेडिकल सिस्टम है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हम कोई हार्मफुल केमिकल का उपयोग नहीं करते हम कोई दवाओं का उपयोग नहीं करते लेकिन वो सारी चीज़ें जो आपके शरीर के मूलभूत जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जो भी पद्धतियां हैं या चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उसको संवर्धित करने वाली चीज़ को ही नेचुरोपैथी कहते हैं। चलिए नमस्कार।